भाई हाल देख रहे थे हम पूरा बीत गए। छतरी ले गए थे जबकि बाइक पे थे और बहुत तेज बारिश आने आ रही सुबह की, तो फिर घर आना जरूरी था बीत गए। तो भाई ये है इसका लुआ और ये हमारी रूबी। आ जा हले अंदर देखो, हिल रहा है वो, इसका बच्चा है छोटा सा। मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू ब्लॉग। और भाई अब 9:30 के आसपास का टाइम हो गया और आज अपन ने थोड़ा लेट कर दिया वो लोग शूट करने में, बट कोई बात नहीं, आज अपा लेट भी उठे थे और कुछ काम वगैरह या रात में ज़्यादा हो गए थे तो लेट सोया लेट उठा, तो वो चक्कर था। बस अब थोड़ी देर में घर जावाएंगे, फिर उसके बाद जो कुछ खाना वाना खावाएंगे पहले, तो फिर उसके बाद अपना दिन है वो स्टार्ट कराएंगे। भाई बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो सबसे पहले खाना वाना करके ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके फिर उसके बाद बाकी के काम कराएंगे। अरे ये देख ले, ये भी भूखड़ मेरे के लिए बैठा है। बारिश आना आई थी बहुत ज़बरदस्त, और बारिश में समोसे खाने का अलग ही मज़ा आ गया। जुलाने के समोसे भी आ रहे बहुत फेमस है, तो अब समोसे लिए थे इस साइड वाली दुकान पर, समोसे ले खाएंगे आज ठंड में, स्वाद आऊगा यार। चलो चलते हैं, तो बाकी फार्म हाउस पर जाना समोसे ले लिए हैं, सारे वेट करना है समोसे का। सब तो बड़ा पंगा इसी चीज़ का है अगर अभी साइड में। सारे आ लिए वो समोसे खाना। असल में रोटी भी मार के लिखा कर रहा होगा इसने, मारा समोसा बड़ी अच्छा लगा था। सही है, उनका जाओ मैं क्या हूं ये तो ये आ जाए बोलो गरम गरम ले। मौसम अच्छा अलग ही मजा है भाई, ठंडे मौसम मजा आ पड़ेगा। मौसम देखो तुम देख रहे हैं, तो मौसम ऐसा है कि बाहर घूमने पा रहे हैं। लाल घर वाला खाते पिज्जा ले जावा, कई दिन हो गए उनसे कि मैं खवाया पिए, तो मैं भी कहूँगी कि मैं खुवादे पियादे कौन है, तो सोचे चल खातर पिज्जा ले चलना। शुक्राना इस साइड में ये देख लो भाई, मैं खुले आयो अपने एरिया में, पुराना आयो इन्हें शिफ्ट कर लिया, पहले वो ऊपर था इसके। बाकी तू पिज्जा खा वाले भाई, आजकल फास्ट फूड वगैरह ये जितने इस टाइप की चीज़ें आ रहे ज़्यादा होगी, रोज़ का कुछ ना कुछ कम करनी पड़ेगी दिख लिया ढंग। और अब चाय वगैरह भी ज़्यादा होने लगी क्योंकि ठंड बढ़ने लगी ना, तो इन चीज़ों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। भाई साहब काका बहुत पॉपुलर हो रहा था कि काका ये है, मेहनत तो बहुत कर रहा है छोरे ने। काके के गाने सुने अगर सारे याद है इसके। अरे भाई साहब तो भाई वो भी मचा हुआ, एक बार आने दो टाइम इसका भी कदे जवानू डायरी ठोक रखी है लिख कर, तो बस एक टाइम आने दे उसके बाद सब कुछ आएगा। पूरा बीत गए, छतरी ले गए थे जबकि बाइक पे थे और बहुत तेज बारिश आने आ रही सुबह की, तो फिर घर आना जरूरी था बीत गए। तो अब सबसे पहले कपड़े वगैरह चेंज कराएंगे, खाना वगैरह तो कुछ खाना ही नहीं, पिज्ज़ा वगैरह तो हो गया था सब कुछ, तो पहले सबसे पहले कपड़े चेंज करने पड़ेंगे नहीं तो बुखार बहुत जल्दी चढ़ेगा मेरे बारिश के मौसम में, तो एक बार रेडी हो जावा फिर उसके बाद बात करेंगे आपसे। तो भाई ना तो गया खाना वगैरह खा लिया था अपन, फिर उसके बाद सो गया था मैं, सोने का तो मेरे डेली का शेड्यूल लगा रहा हूँ तो मैं, क्योंकि रात में यार वाइफ तक एडिटिंग वगैरह चल रहा है सुबह, फिर लेट उठे जावे तो इस वजह दिन में भी थकान हो जाए रात में काम करने खातर। तो फिलहाल चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या सीन चलेंगे क्या कुछ होगा।
मौसम देख लो, जब अब आए थे तो कसूती बारिश आना आ गई थी। ईब खैर बारिश रुकी बट वो आराम है थोड़ी थोड़ी, तो उसके एक दोबारा बारिश आ जा। तो चलो चलते हैं फिर अब आप हाउस में। बस अब इस टिफिन में एक हलवा है जो स्पेशली बना है अपने फार्म हाउस पर, एक डॉग है उस खातर, क्योंकि वह प्यारी है और उससे अपने खुआवेंगे। तो फिलहाल चलते हैं ये हलवा लेके। ये है इसका हलवा और ये हमारी रूबी। आजा खाले, वो अंदर देखो हिल रहा है, वो इसका बच्चा है छोटा सा, देखो ये रहा। बस बस भाई इसको तिथि मैं ये लगा लूँ था। मैं जब एक महीने की थी जब ले आया था मैं, मेरे दोस्त उस टाइम पर जो क्लासमेट हो गया था मेरा उसके खेता में थे, तो फिर यह उसके बाद एक साल तक यहाँ घर पे रही थी, फिर उसके बाद यह फार्म हाउस पर आ गई थी, तो फिर यहाँ यहीं पे रहना करी है। बस बहुत ये लगा लो 4 साल हो गए, 4-5 साल इसने लेकर आया था मैं उस। वही बात है यार, एनिमल्स से प्यार मैंने बहुत ज़्यादा है, खासकर डॉग्स से। तो डॉग्स के पढ़ने चाहिए यार, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो हम जितना उसका उतनी इनकी हेल्प करनी चाहिए। भाई दोबारा तो मैंने बताई थी बारिश आ गई, बारिश आ ली है, बहुत तेज बारिश चल रही है फिलहाल। और आज अपन जो भी कुछ किया था हमने देख लिया बाकी, और आज का व्लॉग किसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जरूर सब्सक्राइब करियो भाई चैनल भी और शेयर भी करियो। और भाई आज का व्लॉग बहुत हो गया, आज के व्लॉग में इतना आई थिंक काफ़ी होगा, और करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म, और कल मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ।